हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल। आज पढ़ेंगे इंग्लिश एनसीईआरटी बुक अ पैक्ट विद द सन से सेवन चैप्टर, जिसका नाम है द वंडर कॉल्ड स्लीप, यानी कि नींद, एक आश्चर्य जिसे हम कह सकते हैं। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे नींद के बारे में, नींद क्या होती है, नींद के दौरान शरीर में क्या बदलाव होते हैं, डॉक्टर्स क्या कहते हैं नींद के बारे में। ठीक है, यही सब चीज़ें सीखेंगे इसमें। Our body and brain recovers from fatigue after a good sleep. हमारा जो शरीर है और जो दिमाग है हमारा, वो पूरे तरीके से रिकवर हो जाता है थकावट से, जब हम एक अच्छी नींद लेते हैं, है ना। तो सारे दिन भर की थकावट जो है वो हमारी दूर हो जाती है और फिर से हम एक्टिव महसूस करते हैं, अपने आप को स्वस्थ महसूस करते हैं। We dream while sleeping. हम सपने देखते हैं जिस दौरान हम सो रहे होते हैं। But we do not always remember our dreams. लेकिन हमें ज़्यादातर वो सपने याद नहीं रहते जब हम नींद से उठ जाते हैं। ड्यूरिंग स्लीप आवर हार्ट बीट बिकम्स स्लोवर, और नींद के दौरान जो हमारी हार्ट बीट है यानी दिल की धड़कन है वो कम हो जाती है। एंड आवर टेम्परेचर एंड ब्लड प्रेशर गो डाउन, और जो शरीर का तापमान है और जो ब्लड प्रेशर है वो भी कम हो जाता है। वी नो इनफ अबाउट व्हाट स्लीप इज़, तो वी डोंट नो वट एग्जैक्टली कॉज अ स्लीप। हालांकि हम नींद के बारे में काफ़ी कुछ जानते हैं, लेकिन फिर भी ये नहीं जानते कि आखिर हम सोते क्यों हैं, क्यों नींद आती है। स्लीप इज़ अ स्टेट ऑफ रेस्ट एंड अनकॉन्शियस रेस्ट। तो स्लीप यानी कि नींद एक ऐसी अवस्था है जिसमें हमारा शरीर जो है वो आराम कर रहा होता है ना। अनकॉन्शियस रेस्ट मतलब एक ऐसा आराम जिसके अंदर हमें पता नहीं होता, हम बिल्कुल बेहोश होते हैं कि क्या हम आसपास हमारे हो रहा है ना। When we sleep, our body recovers from fatigue causes by the day's activities. और नींद के दौरान हमारा शरीर पूरे तरीके से रिकवर हो जाता है उस थकावट से, जो थकावट हमें पूरे दिन से काम करने के कारण हो जाती है ना। फिर से हम एक्टिव महसूस करते हैं और अगले दिन के लिए बिल्कुल स्वस्थ महसूस करते हैं काम करने के लिए। After a good sleep and the rest that it gives, we become alert and active again. जब हम अच्छी नींद ले लेते हैं, पूरे तरीके से आराम कर लेते हैं, ठीक है, तो हमारा शरीर जो है फिर से अलर्ट हो जाता है और हम फिर से एक्टिव हो जाते हैं अगेन। ठीक है, रेडी फॉर द नॉर्मल एक्टिविटीज़ ऑफ द डे, जो दिन भर के काम होते हैं नॉर्मल, उन सबको करने के लिए। कई बार आपने महसूस किया होगा कि जब हम रात को सोते नहीं हैं तो अगले दिन हम बिल्कुल भी अच्छे से ठीक से काम नहीं कर पाते, हमारी आँखें भी जो है वो दर्द करती है ना। तो वही होता है नींद ना लेने के कारण। When we wake up in the morning, it is not always possible for us to remember what happened when we were asleep. जब हम सुबह उठते हैं ना, तो हमेशा ऐसा होता है कि हमें नींद के दौरान जो भी कुछ हुआ होता है हमारे आसपास, वो हमें याद नहीं रहता। ये जो हमने सपने देखे होते हैं वो अभी हमें याद नहीं रहते। We may remember a dream, but the rest of our sleep was a kind of darkness in which nothing seems to have taken place. कई बार ऐसा होता है कि थोड़ा बहुत हमें सपना याद रह जाता है, लेकिन उसके अलावा कुछ नहीं। नींद के दौरान बिल्कुल अंधेरा होता है और कुछ भी नहीं होता उस दौरान, ऐसा हमें लगता है। हमारे आसपास जो भी घटित हुआ होता है वो भी हमें नहीं पता होता, हम बिल्कुल अनकॉन्शियस होते हैं उस दौरान। Several things happen to our body while we are sleeping. बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे शरीर के अंदर होती है जब हम सो रहे होते हैं। As we sink deeper into sleep, our muscles relax more and more. और जब हम गहरी नींद में होते हैं तो हमारा जो शरीर है वो पूरे तरीके से रिलैक्स हो जाता है। जो मसल्स होती है, मसल्स यानी मांसपेशियाँ, वो बिल्कुल सही हो जाती है, रिलैक्स महसूस करती है ज़्यादा से ज़्यादा। और जो भी हमारे शरीर में कमी होती है वो नींद के दौरान ठीक हो जाती है ना। इसीलिए डॉक्टर्स भी कहते हैं कि हमें अच्छी नींद लेनी चाहिए। अब हार्ट बीट बिकम्स स्लोवर, हमारे जो दिल की धड़कन है वो कम हो जाती है, धीमी हो जाती है नींद के दौरान। अवर टेम्परेचर एंड ब्लड प्रेशर गो डाउन, और जो शरीर का तापमान है और जो ब्लड का प्रेशर है वो भी नीचे चला जाता है। द एवर एक्टिव ब्रेन ऑल्सो स्लोस डाउन सो दैट वी कांट थिंक और एक्ट कॉन्शियसली, और ब्रेन जो कि हमेशा एक्टिव रहने वाला पार्ट है बॉडी का, वो भी नींद के दौरान अनकॉन्शियस हो जाता है। ठीक है, ज़्यादा हम सोच नहीं पाते हैं कुछ, ठीक है, और एक्ट भी नहीं कर पाते, बिल्कुल होश में जैसे रहकर हम कर पाते हैं।
बट वी ड्रीम, लेकिन फिर भी हमें सपने आते हैं। व्हेन वी वेक अप आवर टेम्परेचर एंड ब्लड प्रेशर राइज टू नॉर्मल, जब हम नींद से उठ जाते हैं तो हमारे शरीर का जो तापमान है और जो ब्लड प्रेशर है वो बिल्कुल नॉर्मल हो जाता है। आवर हार्ट बीट एंड ब्रीदिंग ऑल्सो बिकम नॉर्मल एंड वी आर फ्यूली अवेक एंड हैव फॉरगॉटन मोस्ट इफ नॉट ऑल द ड्रीम्स दैट वी हैड व्हाइल स्लीपिंग। और जो हमारे हार्ट बीट है, जो ब्रीदिंग है, वो भी बिल्कुल नॉर्मल हो जाती है, ठीक है, और पूरे तरीके से हम अवेक यानी कि जग जाते हैं, ठीक है। और नींद के दौरान जो भी घटित होता है वो सब कुछ हम भूल चुके होते हैं, ठीक है। और अगर कभी कुछ रह पाता है थोड़ा बहुत, तो वो सपना रह पाता है, वो भी पूरे तरीके से नहीं, जिस दौरान हम नींद में देख रहे होते हैं सपना कोई, ठीक है। अब बात करेंगे व्हाट इज़ अ ड्रीम, यानी कि एक सपना क्या होता है। इट इज़ एन एक्टिविटी ऑफ द माइंड दैट टेक प्लेस व्हेन वी आर अस्लीप। सपना एक तरह की एक्टिविटी होती है जो हमारा दिमाग सोचता है नींद के दौरान। हमारे दिमाग में कुछ थॉट्स आते हैं, वो थॉट वही होते हैं जो कि उन्हीं चीज़ों से रिलेटेड होते हैं जो हम अपने डेली की लाइफ में सोचते हैं। कई बार कोई कुछ बनना चाहता है, कई बार कोई कोई जॉब लेना चाहता है, या कुछ ऐसी चीज़ जो कि हमेशा उसके सोच में रहती है, उसी से संबंधित हमें सपने भी आते हैं, ठीक है। सम ड्रीम्स आर प्रोबेबल वाइल अदर्स आर नॉट, कुछ सपने ऐसे होते हैं जिनको हम संभावित बना सकते हैं, यानी कि उनको रियल बना सकते हैं अगर हम हार्ड वर्क करें। दैट ओनली मीन्स दैट मैनी ऑफ द थिंग्स दैट हैपन इन ड्रीम्स कुड हैपन व्हेन वी आर अवेक। इसका साफ मतलब है कि जो भी चीज़ें अगर हम नींद के दौरान सपने में देखते हैं वो संभावित तभी है जब हम उठ जाते हैं और उन पर काम करते हैं, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल, कोई स्टूडेंट देखता है कि मैं पास हो गया हूँ या फर्स्ट आया हूँ, लेकिन वो तभी हो सकता है जब उसके लिए वो दिन रात मेहनत करे, है ना। अदर्स कुड नॉट, और इसके अलावा और जो चीज़ें होती है अगर उस पर मेहनत ना करें तो उनको हम रियल नहीं बना सकते, संभावित नहीं बना सकते, मेहनत ज़रूरी होती है। ड्रीम्स सीम्स टू बी इम्पोर्टेंट फॉर सेवरल रीजन्स, और सपने जो होते हैं वो कई कारणों से बहुत ज़रूरी होते हैं। वन इज़ दैट अ ड्रीम कैन हेल्प अस टू स्लीप थ्रू नॉइस और अदर डिस्टर्बेंसेस। पहला क्या कारण है, पहला कारण ये है कि अगर हम सपने में होते हैं ना किसी, और सपना कुछ ऐसा होता है जो कि हमारे हमें ऐसी चीज़ हो रही होती है सपने के दौरान जो हमें बहुत पसंद है, तो हम उससे बाहर नहीं निकलना चाहते, और उस दौरान शोर होता है या कोई और डिस्टर्बेंसेस होती है, उन सब के दौरान भी हमारा शरीर जो है वो सो रहा होता है और हम जागते नहीं हैं, तो ड्रीम इस चीज़ में हेल्प करता है ना। फॉर एग्ज़ाम्पल, द अलार्म क्लॉक रिंग बट आवर माइंड कॉजेज अस टू ड्रीम दैट द टेलीफोन और डोर बेल इज़ रिंगिंग एंड दैट वी आर अवेक एंड आंसरिंग इट। एग्ज़ाम्पल के लिए, कई बार ऐसा होता है कि क्लॉक रिंग बज रही है या अलार्म बज रहा है, लेकिन हमारा जो दिमाग है वो हमें ये महसूस कराता है सपने के दौरान कि अरे हम तो जगे हुए हैं, और टेलीफोन अगर आया है तो उसको सुन रहे हैं, या डोरबेल जो बजी है तो उसको हमने खोल दिया है। इस तरह की चीज़ें हमें महसूस होती है और हम नींद से उठते नहीं हैं, पूरे तरीके से नींद लेते हैं। तो ये होता है फ़ायदा सपने का। सर्टेन डॉक्टर्स हैव फाउंड दैट वंस ड्रीम ऑफन रिवील अ ग्रेट डील अबाउट वंस प्रॉब्लम एंड दैट इफ अंडरस्टैंड करेक्टली दे कैन प्रोवाइड अ की टू द सॉल्यूशन ऑफ दोज प्रॉब्लम्स। और कई बार डॉक्टर्स जो है उन्होंने भी ये पाया है कि सपने संबंधित होते हैं किसी इंसान के बारे में कि वो क्या सोचता है ना, और उसी सब से संबंधित सपने आते हैं। तो कई बार इसी वजह से जो अगर कोई बीमार होता है, किसी कोई प्रॉब्लम होती है, तो वो भी सॉल्व हो पाती है ना, उससे एक की मिल जाती है कि ये समस्या है और इसको हम ऐसे ठीक कर सकते हैं, ठीक है। बट वी मस्ट रिमेंबर वन थिंग, लेकिन हमें एक चीज़ याद रखनी चाहिए, ड्रीम्स कैन नॉट बी यूज्ड एज अ वे टू टेल द फ्यूचर। सपनों को हम इस तरह से इस्तेमाल नहीं कर सकते कि जो सपने में हो रहा है वही फ्यूचर में भी हो रहा है, होगा, है ना, भविष्य में भी होगा। सपने भविष्य नहीं बता सकते। इन केस हमने कभी कोई सपना देखा है और उठने के बाद अगर हमने इस पर मेहनत की है तो ही वो हमारा भविष्य बन सकता है, सपना हकीकत बन सकता है, हार्ड वर्क, है ना। दे सिंपली कैन नेवर टेल द फ्यूचर, लेकिन वो सपने जो होते हैं कभी भी भविष्य को नहीं बताते। ये ज़रूरी नहीं है कि जो आपने सपने में देखा वो फ्यूचर में भी होगा,
Sleep is the most common experience, but how many of us really think about the wonder and power of sleep? यानी कि जो नींद होती है उससे हमें कई बार बहुत आम एक्सपीरियंस होता है, जैसे सबको होता है, लेकिन कितने लोग ऐसे हैं जो कि जानते हैं नींद के आश्चर्य को और नींद में कितनी शक्ति होती है, पावर होती है उस चीज़ को, है ना? Many poets have written beautiful poems about sleep. बहुत सारे ऐसे पोइट्स हैं जिन्होंने कि नींद के बारे में बड़ी सुंदर सुंदर कविताएं लिखी है. Here is one in which the poet is describing the experience of falling asleep. यहाँ पर एक पोइट ने दी हुई है पोएम जिसमें वो डिस्क्राइब कर रहा है कि नींद के दौरान उसको क्या क्या अनुभव हुआ. Read it aloud. इसको पढ़ना है ज़ोर से. और इस पोएम को मैं एक्सप्लेन करूँगी अपनी नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है? आई होप कि आपको ये समझ आया होगा चैप्टर, ठीक है? और आप सीखे भी होंगे कुछ इससे, नींद के बारे में जाना होगा. तो अब मिलेंगे नेक्स्ट स्टोरी में या पैराग्राफ में या चैप्टर में. टिल देन बाय, टेक केयर.